हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए अपना चैनल कितना टाइम देना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, एक दिन में हमें कितना समय यूट्यूब को देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तब आपको कितना टाइम देना चाहिए, या आप जॉब करते हो तब आपको कितना टाइम देना चाहिए, या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप यूट्यूब पर आना चाहते हो तो तब आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कितना टाइम यूट्यूब पर देना चाहिए एक दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप, तो मैं स्कूल का टाइम बताता हूँ आपको क्या है। स्कूल का टाइम होता है जैसे जनरली मतलब 8 से लेके 2 बजे तक भी होता है, किसी किसी का 12 भी होता है। जैसे आप आफ्टर स्कूल मतलब 2 बजे के बाद स्कूल से घर आते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है कि आज हम स्कूल में क्या पढ़ के आए हैं। जब आप सेल्फ स्टडी कर लोगे आपका मन संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, जितना मैं स्कूल में पढ़ के आया हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी कर की, मैं अब संतुष्ट हो गया, तब आपको यूट्यूब पर वर्क करना है। उससे पहले आपको यूट्यूब की टेंशन नहीं लेनी है, पहले स्कूल का वर्क, उसके बाद सेल्फ स्टडी, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के बाद फिर आपको YouTube पे काम करना है। अब सुन लीजिए, YouTube पे किस तरह से आप स्लेब बनाओगे, किस तरह से आप डिवाइड करोगे अपने काम को सब, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको YouTube पे एक दिन में कम से कम 3 घंटे देने चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप सब कुछ छोड़ के मतलब अब यूट्यूब पर लग जाओगे तो भाई यूट्यूब पर डिपेंडेंसी नहीं करनी है आपको, आपको स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को लेकर के चलना है, ठीक है। तो आपको पूरे दिन में 3 घंटे देने हैं, या तो स्कूल के बाद दे दो सेल्फ स्टडी के बाद, या फिर शाम में दे दो आफ्टर डिनर, या फिर आपको रात में देने पड़ेंगे। 3 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपको यूट्यूब पर वर्क करना है तो, कम से कम 3 घंटे। अब 3 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टार्टिंग का पहला घंटा आपको रिसर्च में लगाना है, मतलब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे कि भाई किसी भी कैटेगरी पे आपका चैनल है तो आपको 1 घंटा सर्च में लगाना है कि हाँ भाई किस तरह का कंटेंट चल रहा है, और बाकी जो और यूट्यूबर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, हम अपने कंटेंट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आपको 1 घंटा उस पर रिसर्च करनी है, रिसर्च के साथ साथ आपको वे वर्ड्स नोट डाउन भी करने हैं, माइंड में नहीं, नोटबुक में, ठीक है। माइंड में तो भाई सभी करते हैं, लेकिन जब उनका बोलने का नंबर आता है ना, इरेज हो जाते हैं, मतलब माइंड से इरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ जब आप रिसर्च करने बैठो तो भाई आपको नोटबुक भी अपने पास रख के बैठनी है, जो जो वहाँ पर कैची पॉइंट्स है, जो भी अट्रैक्टिव है, या कुछ आप जो पहली वीडियो में जो आपने जिससे जिसकी वीडियो से आप सीखने की कोशिश कर रहे हो उससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आपको वहाँ पर पॉइंट्स नोट कर लेने हैं कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट्स बोलना है मुझे, ठीक है। आपको 1 घंटा स्टार्टिंग में रिसर्च करनी है। जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाए 1 घंटा, उसके बाद आपको शूट करना है, ठीक है। अब शूट में भी भाई 5 मिनट की वीडियो बना रहे हो, 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो, तो भी टाइम तो लगेगा ही। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि भाई 1 घंटे के अंदर शूट पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मुझे तो 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है, अगर जो मैं 10 मिनट की वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई 10 मिनट में वीडियो खत्म। मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, जब आप न्यू चैनल्स क्रिएट करोगे तब आप धीरे धीरे बोलना शुरू करो तो कहीं ना कहीं फंबलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने भी की थी। अब तो यह है कि अगर जो 5 मिनट की वीडियो है तो भाई 5 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2-4 ही फंबलिंग होगी, वो भी कट जाएगी। मतलब 5 मिनट की वीडियो तो भाई 5 मिनट में कंप्लीट, 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट। तो अब बाद में आपका भी ऐसा ही हो जाएगा, आपको उसकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पहले घंटे रिसर्च करनी है, दूसरा घंटे आपको 1 घंटा आपको शूट में लगाना है, मोबाइल से शूट करोगे या DSLR से शूट करोगे तो प्रॉपर आपको लाइटिंग सेट करनी है अपनी, कहाँ पर लाइट रखनी है, कहाँ पर आपको RGB लाइट रखनी है, कैमरा का एंगल कहाँ रहेगा, बोया माइक मतलब माइक कैसे लगाना है, वहाँ पर कैसे लगाना है, वो आपको कंप्लीट 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग, जब आपका दूसरा घंटा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका आता है तीसरे घंटे में आपको क्या करना है, तीसरे घंटे में आपको उसकी एडिटिंग करनी है। अब भाई मुझे पता है 1 घंटे में एडिटिंग, 1 से 1.5 घंटा मान लो यार, एडिटिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता स्टार्टिंग में। और मैं तो कहूँगा भाई एडिटिंग में स्टार्टिंग में टाइम मत लगाओ। अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम एडिटिंग में लगा दोगे तो भाई फिर बहुत टाइम एक्सप्लोर हो जाएगा आपका, फिर आप कब लेटोगे, कब सोओगे, कब स्टडी करोगे, या कब और घर के काम करोगे, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं करके, ठीक है। तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर एडिटिंग प्लस अपलोडिंग निपटा देनी है भाई। तो आपको 3 से 3.5 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस, मतलब डेली की कम से कम 1 वीडियो होनी चाहिए आपके चैनल पर, मतलब वीक में 2 वीडियो के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। अगर जो
हफ्ते में कम से कम 7 वीडियो तो डालो डालो अगर जो आपके पास इतना समय है, लेकिन 5 वीडियो तो भाई डालनी ही डालनी चाहिए। तो भाई आपको डेली के 3 से 3.5 घंटे आपको अपना मैनेज करके चलना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। और अगर आप ऐसे करते रहे तो भाई मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई हार्डली 6 मंथ 12 मंथ्स के अंदर अंदर चैनल ग्रो हो जाएगा। बाकी तो भाई जब अलग लेवल पे आता है उसके लिए थोड़ा सा हमें और टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है यूट्यूब पर, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होता। मतलब आप थोड़ा एक्सपेक्ट कम किया करो कि भाई 10 वीडियो डाल दे 20 वीडियो डाल दे भाई वीडियो चल नहीं रही वीडियो वायरल नहीं हो रही, क्योंकि ये आजकल बहुत सारा सीन हो रहा है। आप ऐसे एक्सपेक्ट मत किया करो भाई, क्योंकि भाई जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं इवन मी ऑल्सो मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, हमारी भी वीडियो कोई वायरल नहीं हुई तो, लेकिन पेशेंस है अभी वो बरकरार रहेगा। ठीक है।